नमस्कार, एमकेएन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। आज मुद्दे पर आने से पहले आपसे एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। सवाल ये है कि सरकार बड़ी है या सड़क बनाने वाला कोई ठेकेदार। जाहिर है आपको इसका सटीक जवाब मालूम होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के पखांजूर में ठेकेदार सरकार को चूना लगा रहे हैं। जुनवानी पाकुड़कल में ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई कि वो 10 दिनों में ही वेंटिलेटर पर पहुंच गए। वहीं इस उजाड़ी हुई सड़क को देखकर लगता है कि प्रशासन और शासन की आंख कब खुलेगी, या फिर फिलहाल कहना मुश्किल होगा। जो कहा जा सकता है कि वो ये है कि ठेकेदार की जेब का वजन बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक जब सड़क पर डामर का काम चल रहा था तो बारिश हो रही थी, लेकिन ठेकेदार ने काम बंद नहीं किया। ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, पर ठेकेदार ने ग्रामीणों की एक ना सुनी। रोड में अब देखिए, ये सीमेंट डाला है, डामर डाल के सीमेंट डाला है, डालने के बाद में इन लोग सीमेंट डाला है। जैसे डामर उखड़ रहा था वैसे ये सीमेंट डाले और उसके बाद में अब वही डाल के अभी फिर उखड़ रहा है। उखड़ने के बाद में अभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपका रोड बने हुए? ये ज्यादा नहीं, 1.5 महीना हो रहा है। बारिश में अब ये लोग डाले डामर, 6-7 बजे ऐसे 3-4 बजे शुरुआत किए, 3-4 बजे उसके बाद में 8-9 बजे तक डामर डाले हैं इन लोग। इसका विरोध नहीं किया? इसका विरोध तो नहीं किए, वो बोले कि उन लोग की डामर हो जाएगा। के लिए पूरे यहाँ का गिट्टी उखड़ जा रहे हैं, डामर लगाए हैं इसको। कितना समय हो चुका है रोड बने हुए? 1.5 माह जैसा हुआ है। तो इस रोड में जो भ्रष्टाचार हुआ है, रोड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो इसका विरोध आप लोगों ने नहीं किया? विरोध किया है तो हम लोग बोले, तो हम लोग क्या बोला कि जहाँ जितना से ऑर्डर आया उतना ही लगाएंगे, हमारा मर्जी से, आप लोग बोलने नहीं सकोगे, ऐसा बोल दिया। आप विरोध भी नहीं किया हम लोग उतना, तो हमारा मर्जी से करेंगे बोला, तो हम लोग क्या विरोध करेंगे? सरकार से क्या मांग करते हो आप गाँव वाले? क्या फिर इसमें डबल लगाना है अभी डामर? ये रोड खराबी की वजह से। क्या समस्या आप लोगों की? रोड बन के 1.5 महीना हो रहे, फिर भी ये रोड उखड़ने चालू हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो कंपनी से ये रोड बना है, वो उस कंपनी को रद्द किया जाए। एमकेएन स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पखांजूर की, जहां 10 दिन पहले बना सड़क जमींदोज हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़क जो है वो अब गड्ढों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ग्रामीणों का इस बारे में कहना है कि सड़क जब बनी थी तब ये आश्वासन मिला था कि आखिरकार इस सड़क के बनने से कहीं ना कहीं ग्रामीणों और किसानों को भरपूर इसका सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ बारिश के इस मौसम में अगर सड़क अच्छी मिलती है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ही परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके सड़क तो बनी, लेकिन सड़क का निर्माण घटिया हुआ, जिसके चलते 10 दिन में ही सड़क जो है वो वेंटिलेटर पर पहुंच गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास तरफदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। विकास जी बताइए, क्या कुछ मामला है, कैसे पता चला सड़क की इस खुदी हुई जो मामला हुआ सामने आया है, तमाम जो ग्रामीण है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं मामले में? विकास, आवाज आ रही है आपको? जी विकास जी, ये जो मामला है कांकेर क्षेत्र का है जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। जो सड़क बना है 2 किलोमीटर का सड़क है जी। जी विकास, ये बताइए वहाँ पर तमाम ग्रामीण जो हैं वो इस मामले में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी ग्रामीण देखिए, ये जो सड़क है अंदरूनी क्षेत्र की है, गांव को पक्की सड़क के जरिए मुख्यालय से जोड़ने का जो उद्देश्य है सरकार का जी, करोड़ों खर्च करके ठेकेदार द्वारा जेब भरने के चक्कर में मनमनी रोड बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो रोड है ये बनने के 10 दिन के बाद से उखड़ना चालू हो गया है जी। तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की आपने? जी, जो विभागीय अधिकारी है उनसे भी बात करने की कोशिश की है, उनसे वाइट भी लेने गए थे पर वो वाइट नहीं दिए, ऑफिस में बुला के फिर गायब हो गए। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी थी कि यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करने की कोशिश तो की गई, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं, वहां से गायब रहे।
इससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ठेकेदार पर इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की मिलीभगत से ही इस रोड में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके चलते तमाम जो सड़क है वो 10 दिनों के भीतर ही उखड़ गई और यहाँ पर ग्रामीण फिर से परेशान होते नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पखांजूर की। जहां पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि तमाम जो ग्रामीण है उन्होंने जनप्रतिनिधियों, उच्चाधिकारियों और तमाम सरपंच सचिवों से बात करने की कोशिश नहीं की। बात करने की कोशिश तो की, बावजूद इसके यहां से कोई स्पष्ट जवाब जनप्रतिनिधियों की ओर से नहीं आया, जिसके चलते ग्रामीण बहुत परेशान है। सिर्फ एक ही समस्या नहीं बल्कि तमाम ऐसी सुविधाएं जिसके चलते आज भी ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पखांजूर की। मुद्दा सिर्फ इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सड़क जो है वो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई थी, और जब किसी भी सड़क का निर्माण सरकारी योजना के अंतर्गत किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छी गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। बावजूद इसके यहाँ पर इसके उलट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गुणवत्ता का उपयोग किया गया है वो बहुत ही घटिया है। देख सकते हैं किस तरह 10 दिन पहले बनी सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो गुहार लगाते हुए नजर नहीं आते हैं अच्छी सड़क के निर्माण के लिए, बावजूद इसके यहाँ पर ग्रामीणों की कोई सुध लेता नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ग्रामीणों ने ये ऐसा भी कहा कि यहाँ पर जो सड़क का निर्माण हुआ था तब कई आश्वासन दिए गए थे कि सड़क के निर्माण के बाद तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण कर ली जाएंगी और समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन 10 दिन नहीं बीते कि सड़क जो है वो अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली तमाम वो सड़कें जिन्हें वादे के अनुसार बनाया गया वो आज खोखले साबित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सरकार तो लगातार चाहती है, सरकार पर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जो कह रहे हैं वो भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रामीणों का साफ साफ आरोप है कि सड़क निर्माण के चलते यहां पर धांधली का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से जवाब आया कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से बात तो की गई लेकिन वो जवाब देते हुए नजर नहीं आया। दूसरी तरफ जब किसी दूसरे सरपंच सचिव से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी वहां से नदारद मिले, जिसके चलते इस मुद्दे को लेकर कोई भी अधिकारी निष्पक्ष जांच या फिर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर किस तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रोड में अब देखिए ये सीमेंट डाला है, डामर डाल के सीमेंट डाला है, डालने के बाद में ये लोग सीमेंट डाला है, जैसे डामर उखड़ रहा था वैसे ये सीमेंट डाले उसके बाद में अब वही डाल के अभी फिर उखड़ रहा है, उखड़ने के बाद में अभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपका रोड बने हुए? ये ज्यादा नहीं, 1.5 महीना हो रहा है। बारिश में अब ये लोग डाले डामर, 6-7 बजे ऐसे 3-4 बजे शुरुआत किए, 3-4 बजे उसके बाद में 8-9 बजे तक डामर डाले हैं। इसका विरोध नहीं किया? इसका विरोध तो नहीं किए, वो बोले कि उन लोग की डामर हो जाएगा के लिए थे, जो पूरे यहाँ का गिट्टी उखड़ जा रहे हैं, डामर लगाए हैं उसको। कितना समय हो चुका है रोड बने हुए? ये 1.5 माह जैसा हुआ है। तो इस रोड में जो भ्रष्टाचार हुआ है रोड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो इसका विरोध आप लोगों ने नहीं किया? विरोध किया है। हमारे साथ समाज सेवी मिथुन मंडल जुड़ चुके हैं। मंडल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। मंडल जी क्या कुछ कहेंगे, एक समाज सेवी के तौर पर किस नजरिए से देखते हैं इस मुद्दे को? सड़क का निर्माण तो हुआ लेकिन घटिया सामग्री के चलते सड़क उखड़ चुकी है। देखिए क्षेत्र की बात को लेकर कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का आखिरी जो जिला और छोर है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ जो जिला है जी, हमारा जिला यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है, और जो ही इस क्षेत्र के लिए बहुत दुखद बात है कि सरकारी जो भी शासन की योजना आती है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी राज्य का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसका गाँव जो है उसके मुख्यालय से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को इस मुद्दे पे नहीं, शासन की हर महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़े मुद्दे पर उठाना पड़ता है। यहाँ पे घटिया निर्माण होता है क्योंकि जिला अधिकारियों की जो नजर है हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती।
वो लोग यहाँ पे दौरा कम करते हैं। इवन कभी कभी ऐसे भी योजनाएं हैं जो योजना आकर यहाँ पे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है, लोगों को पता तक नहीं पड़ता। जो 5 साल 10 साल बाद इसका हमारे द्वारा उठाया जाता है मुद्दे को, उसके बाद एक जांच की जाती है, जांच की टीम बुलाई जाती है और उस पर लेपापोती होती है। जिसको देखने वाला कोई नहीं होता तब तक गवर्नमेंट बदल जाती है और गवर्नमेंट के बाद एक दूसरे पर लोग अपना ताना करते हैं, राजनीति करते हैं। फाइनली जो होता है कि क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। जी मंडल जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि सरकार दावे तो और वादे तो करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर ठेकेदार पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है कि ठेकेदार की लापरवाही के ही चलते यहाँ पर घटिया जो माल है उसका उपयोग किया गया है, जिसके चलते ये जो सड़क है उसकी दुर्दशा कुछ इस कदर हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से ठेकेदार जो है इन पर अगर किसी का शिकंजा करता है तो अधिकारियों का करता है और जो इंजीनियर इसके जिम्मेदार होते हैं उन लोगों को खड़े रहना पड़ता है। जब इंजीनियर और ठेकेदार दोनों को पता है कि जिला मुख्यालय की दूरी ज्यादा है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो इनका ठेकेदार को इसका फायदा उठाना लाजमी है। और जो कमीशनखोरी का एक बात आता है, सबको अपना परसेंटेज पता होता है और ये परसेंटेज पूरे जग जाहिर है कि लोगों को इसका जो मोटा रकम है भ्रष्टाचार करने का, ये अधिक लोगों को अपने अपने पास नहीं जाता है, जिससे ग्रामीणों को जो घाटा होता है इसको देखने वाला कोई नहीं होता, जिसका पूरा सीधा सीधा खामियाजा आम जनता और आम जैसे लोगों को झेलना पड़ता है। और इसके पूरी जिम्मेदार शासन है और ये जो ध्यान नहीं देते इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल मंडल जी, दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे संवाददाता ने भी जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की तो वहाँ से नदारद मिले या गायब मिले, यूं ही कह ले, क्योंकि कहना गलत नहीं होगा। जब किसी भी मुद्दे को लेकर बात करने की कोशिश की जाती है और कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं करता तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी विकास से। जी मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे साथ समाज सेवी मिथुन मंडल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम समस्याएं बताई, ऐसी समस्याएं जिसके चलते निराकरण संभव नहीं हो पा रहा है। एक समाज सेवी के तौर पर भी अगर इस नजरिए को देखें तो कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर प्रशासन के सामने रखने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन समाज सेवी भी उस हद तक ही कर सकते हैं जहां तक उनकी उनका बोलबाला है, उनकी सोच है और उनका यहाँ पर जिस तरीके से बयान सामने आता है उसके आधार पर ही यहाँ पर तमाम जो समाज सेवी हैं वो जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश तो करते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी नेता या फिर कोई भी राजनेता, सरपंच, सचिव बात करने के लिए हामी भरता हुआ नजर नहीं आता है। अगर बात करते भी हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार बातों के आधार पर सड़कों का विकास संभव कैसे हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1-1.5 महीने की पुरानी सड़क का निर्माण हुआ है तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि 1.5 महीने या फिर 1 महीने बाद सड़क का उखड़ना ये जाहिर करता है कि प्रशासन या फिर सड़क निर्माण ठेकेदार जो है वो लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, कच्चे माल का उपयोग किया गया है। तो फिर शासन प्रशासन द्वारा रोड बनाने के लिए दिए गए इतना सारा पैसा गया तो गया कहां, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार की भेंट अब ये सड़क चढ़ती हुई नजर आ रही है। ठेकेदार पर भी यहां पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सिर्फ सड़क ही नहीं, हमारे समाज सेवी ने ये जानकारी दी कि यहां पर सड़क ही नहीं बल्कि तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसके चलते आजादी के आज इतने सालों बाद भी लोग जो है वो विकास कार्यों से अछूते हैं। ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी सड़क योजना जिसके चलते तमाम क्षेत्रों में, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की भरपूर यहां पर भरपाई के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए आश्वासन दिया गया, निर्माण भी किया गया, लेकिन घटिया निर्माण के चलते सड़क जो है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर तमाम जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रहे हैं, ये कहना है समाज सेवी मिथुन मंडल जी का। मिथुन मंडल जी ने ये भी कहा कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वादे भी किए जाते हैं लेकिन विकास नहीं हो पाता है। हमारे साथ ग्रामीण जोसेफ लड़का जी जुड़ चुके हैं। जोसेफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जोसेफ जी, क्या कुछ कहेंगे मामले को लेकर? एक ग्रामीण हैं आप, क्या क्या समस्या आती है आपके ग्रामीण क्षेत्र में और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सड़क को लेकर क्या कुछ तर्क रखना चाहेंगे आप? जी, मैं बताना चाहूंगा ये जो सड़क है इसमें बने मात्र 1.5-2 महीने में जो सड़क उखड़ने लगी है, सड़क में जो काम किया गया है वो बहुत ही खराब तरीके से किया गया है। तो सरकारी मापदंड में तो बिल्कुल ही नहीं बनाया गया सड़क जी। एवं सड़क में जो है डामर की जो मात्रा है बहुत ही कम डाली गई, जिसके चलते जो सड़क
बहुत ही कम दिनों में उखड़ गई। उसके बाद उखड़ने के बाद जो है ठेकेदारों द्वारा सड़क को पहले झाड़ू लगाया गया, झाड़ू लगाने के बाद फिर उसमें सीमेंट का घोल डाला गया। जी। तो काम हुआ है वो बहुत ही निम्न स्तर का किया गया है सड़क में। जी, हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे समस्या का निराकरण किया जाए। जी जोसेफ जी, सिर्फ सड़क को लेकर ही आपको परेशानी हो रही है आपके ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर कुछ और भी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके चलते आज भी आपका ग्रामीण क्षेत्र जो है वो वंचित है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम ग्रामीण जो है काफी सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ से मुख्यालय जो है काफी दूर है, 200 किलोमीटर की दूरी पे हमारा मुख्यालय, जिसके चलते हम बहुत सारी सुविधाओं से यहाँ चिंतित रह जाते हैं। यहाँ पे जी जोसेफ जी बताइए आप कि अगर इस तरह सड़क के निर्माण के चलते इतनी धांधली का मामला सामने आया है तो किसी भी जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की, गुहार लगाई आप लोगों ने कि समस्या का निराकरण हो सके, फिर से सड़क का निर्माण हो सके? जी, हमने इसकी जानकारी किसी जनप्रतिनिधि को अब तक हमारे द्वारा तो दिया नहीं गया है। हम मीडिया कर्मियों को भी हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम अपने आपका जो समस्या उसको हम आगे प्रबंधन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी जोसेफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और आपका जो भी तर्क है वो हमारे साथ रखने के लिए, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान तो होना चाहिए, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो आखिरकार ग्रामीण कहाँ जाएंगे? आपको बता दें कि यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका ये भी आरोप है कि सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके वादे शासन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में देने के करती है वो भी यहाँ पर अधूरे पड़े हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीण यहाँ पर परेशान है। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे गुहार लगाई कि सड़क का फिर से निर्माण किया जाए, लेकिन यहाँ पर आश्वासन तो मिला, कार्रवाई नहीं हुई और सड़क का निर्माण भी शायद आधा अधूरा ही यहाँ पर छोड़ दिया गया है। सड़क के निर्माण के चलते अगर धांधली का मामला सामने आता है तो मुद्दा उठता है कि आखिरकार ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले वो तमाम योजनाएं जिसके चलते सड़क को लेकर यहाँ पर निर्माण करना चाहिए सरकार और प्रशासन के मद्देनजर काम करने वाले उन ठेकेदारों को जिनको ठेका दिया जाता है ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण का, बावजूद इसके यहाँ पर तमाम जो ठेकेदार हैं वो भी घटिया माल का उपयोग कर सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते एक महीने में ही सड़क की दुर्दशा क्या हो जाती है आपके सामने है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सिर्फ सड़क को लेकर ही नहीं बल्कि तमाम उन मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाने की मांग की है, जिसके चलते आज भी ग्रामीण जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लगातार आ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधूरे पड़े मामलों को लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बचते हुए नजर आते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारे संवाददाता विकास तरफदार ने बात करने की कोशिश की तमाम जनप्रतिनिधियों से तो वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बात करने की कोशिश तक नहीं की, मिलने का समय तो लिया लेकिन मौके से नदारद रहे, गायब रहे, जिसके चलते हमारे संवाददाता को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, जिससे साबित होता है कि कोई भी यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो इस मामले में जवाब देने के लिए हामी भरता हुआ नजर नहीं आता है, और जो बयां करता है कि किस तरह से शासन प्रशासन की तमाम योजनाएं जो हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आखिर क्यों यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, तमाम जो ठेकेदार हैं जिनके जरिए यहाँ पर विकास की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि अगर हर क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्र में तमाम उन मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का वादा किया जाता है जो इन सुविधाओं से वंचित होते हैं, तो आखिरकार क्यों यहाँ पर तमाम जो प्रशासन के वादे हैं वो खोखले साबित होते हैं? दूसरी तरफ आपको बता दें कि पहले तो मुद्दा इस कदर उठ रहा था कि कोरोना काल के चलते यहाँ पर तमाम जो विकास कार्य थे वो अधूरे पड़े हुए थे, बारिश का बहाना बोलकर भी यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं करवाया जा रहा था। चूंकि अब सड़क का निर्माण हुआ तो यहाँ पर ऐसा मामला सामने आ रहा है कि सड़क का निर्माण हुआ, ग्रामीण खुश हुए, लेकिन एक से डेढ़ महीने बाद पता चला कि सड़क में घटिया माल का उपयोग किया गया था, जिसके चलते सड़क उखड़ चुकी है, सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों वो ग्रामीण इतना परेशान हो जो इन सब विकास कार्यों से अछूते हैं, या फिर यूं कहें कि सिर्फ वोट की गिनती के लिए और वोट मांगने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के बाद यहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन जनता को हाथ क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ टूटी फूटी
सड़क और खोखली सड़क, जिसके चलते ग्रामीण बहुत परेशान हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम ऐसे राजनेता जो वादे करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन जमीन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आपको बता दें कि तमाम लोगों से बात करने के बाद पता चला कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समाधान एक भी नहीं है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार, प्रशासन और तमाम वो जनप्रतिनिधि क्या कुछ कार्रवाई करते हैं जो इनके अंडर में आते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। नमस्कार।